तो गाइस अब जा रहे हैं जिम, और जिम में शूट करेंगे यदि कुछ हो पाएगा शूट तो। और क्योंकि मुझको बैक में प्रॉब्लम थी, बैक इंजरी थी, डॉक्टर ने मुझको जिम जाने से मना किया था, लेकिन बिना जिम जाए मैं रह नहीं सकता हूँ, तो मैं जा रहा हूँ और देखते हैं वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग। वैसे आज सोचा है चेस्ट और शोल्डर करने की, तो हो पाएगा चेस्ट एंड शोल्डर करेंगे, ठीक है, तो चलते हैं। तो गाइस आ गए हम लोग अपनी जिम, और मैं आपको जिम दिखाता हूँ, ये एनी टाइम फिटनेस। और अभी भी मैं आया हूँ, और ये देखो मेरी धन्नो, ये जो मेरे पास इस टाइम है जिसको मैं काफ़ी टाइम से चला आ रहा हूँ, मुझको इसको चेंज करनी है, ठीक है। और ये मेरा जिम बैग यहाँ पर, और आप देख सकते हो क्या सीन क्या है। सीन ये है कि यहाँ पे एनी टाइम फिटनेस खुला हुआ है और इसके बगल में डोमिनोज खुला हुआ है, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे आओ, अपना फैट गेन कर लो और यहाँ आकर लूज़ कर लो, ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो चलो चलते हैं अंदर। चलो चलते हैं, ये कार्डियो सेशन है, और अभी मेरे को कार्डियो नहीं करना है, अभी मेरे को करना है एक्सरसाइज, और आज वहीं चलेंगे। चलो तो आ गए हम लोग अपनी जिम, और यहाँ आज करेंगे चेस्ट और शोल्डर। और देखो कुछ अभी एक ट्रेनर भैया है नहीं जिनसे मैं आपको मिलाना चाहता था। चलो पहले करते हैं, तब तक आ जाएंगे तो फिर मिल लेंगे। और देखो अपने एक ट्रेनर भैया यहाँ पर आए, बहुत बढ़िया ट्रेनर है, मैंने कल उनकी बात सुनी, इनको नॉलेज बहुत अच्छा है, ठीक। आप एनी टाइम फिटनेस में भी कानपुर में आते हो तो आप इनसे ज़रूर मिलना, बहुत बढ़िया ट्रेनर है, आपको बहुत अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करें। चलो चलते हैं फिर, आज चेस्ट एंड शोल्डर है, पहले वार्म अप कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं। और शायद मैं शूट ना कर पाऊँगा पूरा इसमें, तो ये चीज़ हम लोग फिर कभी शूट करेंगे जब ट्राईपॉड बड़ा ले आएंगे तब, ठीक है। लाइटिंग की भी यहाँ सिस्टम है, कैमरा यदि वाला फिक्स होगा तो उसकी लाइट फिक्स रहेगी। तो गाइस जिम हो गई है ख़त्म, और हम लोग जा रहे हैं अपने घर, ठीक है। चलो तो आज सिर्फ चेस्ट की, क्योंकि थक गया था मैं काफ़ी, और चेस्ट थोड़ी अच्छा वर्कआउट हो गया चेस्ट का, तो शोल्डर का वर्कआउट नहीं हो पाया, और मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया उसके लिए, सॉरी गाइस। गर्मियों में तो ज़रूर रिकॉर्डिंग होगी, जब बॉडी शेप में होगी तब होगी रिकॉर्डिंग। तो गैस अब इसमें मैं मिलाने वाला हूँ थोड़ा सा प्रोटीन पाउडर, और बेसिकली थोड़ा सा क्या जो इसकी डोज होती है, तो जैसा कि पहले भी लोग जानते हैं जो मुझको जानते हैं कि मुझको हीप स्कूप पसंद नहीं है, तो मैं हीप स्कूप की जगह इसको ऐसे 1.5 चम्मच डाल लेता हूँ। अच्छा ये कौन सा प्रोटीन पाउडर है, इसके बारे में कुछ लोग सोच रहे हैं कौन सा प्रोटीन पाउडर, तो गाइस देखो ये रॉ है, ठीक है। और रॉ हर एक कंपनी जो बनाती है वो अच्छा ही बनाती है, मतलब वो कंपनी क्या बनाती है, ये लोग क्या करते हैं, सीधे सीधे लाते हैं ख़रीद के मार्केट से, वो पैकेट्स में मिलते हैं जैसे सपूतो वगैरह जानते हो, तो वो लाते हैं और यहाँ पर सेल करते हैं, ठीक है। तो
इनका इसमें कुछ नहीं रहता है, तो बस ये उठाया वहाँ से ख़रीदा और सेल कर दिया, तो इसमें आपको रियल मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, मैं रॉ क्यों यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास माय प्रोटीन के दो फ्लेवर पड़े हैं और 2.5 किलो के हैं दोनों, तो वो दोनों रखे हैं मेरे पास, लेकिन मैं अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ। जब मैं फुल फॉर्म में आऊँगा बल्किंग में, तब मैं उसको यूज़ करूँगा, और फिर भी मैं रॉ यूज़ करता हूँ, मुझको अच्छा लगता है। तो आप यूज़ कर सकते हो यदि आप डाइजेस्ट कर पाते हो, यदि आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते हो तो आपको इसको यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कटिंग में तो वैसे भी मैं रिकमेंड नहीं करता, लेकिन बल्किंग में क्या है कि आप यूज़ इसको कर सकते हो। ठीक है, तो इसको थोड़ा मिक्स ज़्यादा करना पड़ता है, और चलो ये मिक्स हो गया है। ये जो मेरे पास जैसे डब्बे रहते हैं, ये बिग मसल का है, ये जो है ये जिसमें मैंने रखा हुआ है ये बिग मसल का है। ठीक है गैस, लेकिन ये जो इसमें रखा है इस समय प्रोटीन पाउडर, ये बिग मसल का नहीं है, ये एक्चुअली 6 पैक न्यूट्रिशन जो है उसका है प्रोटीन पाउडर। मुझको ये सस्ते में मिल रहा था, और जो भी मुझको डील में मिलता है, जो भी अच्छी डील होती है मैं उसी में लेता हूँ, क्योंकि यार बॉडी बिल्डिंग में बहुत पैसे लगते हैं, हर एक चीज़ बहुत महंगी है, साम्स गियर और आपका प्रोटीन पाउडर बहुत महंगा है ये। और माय प्रोटीन भी पहले थोड़ा ठीक था, लेकिन अब वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो गया है, तो वो भी चीज़ सही नहीं है। और इसमें मैं क्या करूँगा, मैं इसमें थोड़ा हनी मिक्स करूँगा। ठीक है, तो मैं इसमें थोड़ा हनी मिक्स करता हूँ, और मैं इसमें कितना हनी मिक्स करूँगा, प्रॉब्लम ये है कि मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है। तो देखो मैं इसमें क्या करूँगा, ये जो एक चम्मच है, मैं इस पर 1 चम्मच या फिर 1.5 चम्मच हनी इसमें डालूँगा। ठीक है, ये वाला चम्मच जो है इस पर। तो गाइस मैंने इसमें हनी मिला लिया है, ठीक है, और ये टेस्टी हो जाता है, क्योंकि ऐसे रॉ जो होता है वो आप पियोगे तो टेस्टी रहेगा नहीं। और दूसरी बात, ये हनी मिलाने की सिर्फ टेस्ट की बात नहीं है, बात ये है कि जब आप सिंपल कोई कार्ब चीज़ मिलाते हो, ये सिंपल कार्ब होती है, हनी सिंपल कार्ब होता है, तो जब आप ऐसे कुछ चीज़ प्रोटीन में मिलाते हो तो आपका इंसुलिन स्पाइक मारता है, और इससे क्या होता है कि वो जो प्रोटीन है और वो जो कार्ब्स है वो दोनों अच्छे से डाइजेस्ट होते हैं और आपके मसल्स के अंदर जाते हैं। यदि आपके मसल्स के अंदर जाएंगे तभी आपको इसका जो है बेनिफिट ज़्यादा मिल पाएगा। तो पोस्ट वर्कआउट में जिन भी क्लाइंट मुझसे ऑनलाइन कोचिंग लेते हैं, वो सब जानते हैं ये चीज़ कि मैं उनको हनी रिकमेंड करता हूँ पोस्ट वर्कआउट में आप प्रोटीन पाउडर साथ मिलाने के लिए, और कभी कभी मॉर्निंग में भी। क्यों? क्योंकि आपकी जो सिंपल कार्ब्स आपको जब चाहिए होते हैं, जो दो मेन चीज़ें, एक जो मॉर्निंग में आप प्रोटीन लेते हो वो अच्छे से डाइजेस्ट होनी चाहिए, और एक जब आप लेते हो पोस्ट वर्कआउट, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ की, तब आप हनी ज़रूर मिलाओ। ज़रूरी नहीं है आप हनी मिलाओ, लेकिन यदि आप शुगर मिलाते हो तो अच्छा नहीं, उससे बेटर है आप हनी मिलाओ। यदि आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम नहीं है तो ये एडवाइस आपके लिए है, अदरवाइज ये एडवाइस आपके लिए नहीं है। ठीक है, गाइस सबके लिए अलग अलग हिसाब से सारी चीज़ें चलती हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज़ फिक्स रूल है जो सबके ऊपर लागू होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो गाइस ये टेस्ट इसकी बात करें तो इसमें जो टेस्ट है वो नेचुरल टेस्ट होता है, इसका कोई ऐसा टेस्ट नहीं, हनी के लिए हनी डालने पर ही थोड़ा सा अच्छा लगता है।